अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मटन कुन्ना बनाने की एक बहुत ही सिंपल रेसिपी। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। मटन कुन्ना को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 kg मटन, और इसके बड़े बड़े मैंने पीसेस करवा लिए हैं क्योंकि मटन कुन्ना बड़े पीसेस में ही अच्छा लगता है। साथ में है 1 cup घी, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं पर घी से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 1 medium to large साइज़ का अनियन है, 4 to 5 टेबल स्पून। मेरे पास है यहाँ पे आटा, व्हीट फ्लावर, इससे ग्रेवी को मैं थिक करूँगी। 1 teaspoon पीप फुल रेड चिली पाउडर, 1/2 teaspoon टर्मरिक यानी हल्दी, 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट टू टेस्ट, और ये कुन्ना गोश्त का एक स्पेशल मसाला होगा जिसमें है 1 tablespoon कोरिएंडर सीड्स यानी धनिए के सीड्स, 1 tablespoon काला ज़ीरा, 1 tablespoon ब्लैक पेपर, कॉर्नस ले लें या इस मेरी तरह आप क्रश ब्लैक पेपर भी ले सकते हैं, 6 to 7 ग्रीन कार्डमम्स यानी हरी इलायची, ये नटमेग है, जायफल जिसको मैं जब पीसूंगी तो ये 1/2 teaspoon जितना हो जाएगा, ये है मेस यानी जावित्री, इसको भी जब मैं ग्राइंड करूँगी तो यह 1/2 teaspoon जितना होगा, और साथ में 1/2 tablespoon क्लोव्स यानी लौंगें। सबसे पहले मैं इस मसाले को ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में ले आऊँगी। ये मैंने होल स्पाइसेस को ग्राइंड कर लिया है और ये बहुत ही फाइन पाउडर बन के आ गया है। अब मैं इसकी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं 1/2 घी को प्रेशर कुकर में ऐड कर रही हूँ और बाकी से मैं इसका पकार लगाऊंगी। अब मैं इसमें अपने अनियंस को ऐड कर दूंगी, लेकिन थोड़े से अनियंस मैं इसमें रोक लूंगी ताकि वो बघार में यूज़ हो जाए, बस इतना मैंने रोक लिया है। अब मैं साथ ही साथ इसमें जिंजर गार्लिक को भी ऐड कर लूंगी, और हमें अनियंस को कलर नहीं देना है, जस्ट 1 मिनट के लिए इसे कुक करूँगी और फिर मैं इसमें मीट को ऐड कर दूँगी। एक मिनट हो गया है अनियंस को फ्राई होते हुए, अब मैं इसमें ये मटन ऐड कर रही हूँ। अब इसको मैं 5 मिनट्स तक अच्छी तरह भून लूँगी। फाइव मिनट हो गए हैं मुझे गोश्त को भूनते हुए, अब मैं इसमें रेड चिली, हल्दी और सॉल्ट को ऐड कर रही हूँ, और इसके साथ भी इसे 2 मिनट तक मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। जितना ज़्यादा अच्छा मटन भुना जाएगा कुन्ने का फ्लेवर उतना ही ज़बरदस्त आएगा। मटन और मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं, अब इसमें मैं ये कुन्ना स्पेशल मसाला ऐड कर रही हूँ और इसके साथ फर्दर इसकी कुकिंग करूँगी 3 to 4 मिनट्स के लिए। मटन बहुत अच्छी तरह से भुन गया है और ऑयल भी सरफेस पे आ गया है। अब मैं इसमें 3 glass पानी के ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं प्रेशर कुकर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप रेगुलर पॉट में बनाते हैं तो इसमें 6 to 7 glasses ऑफ वाटर जाएंगे। अब मैं इसे 25 मिनट्स का प्रेशर दूंगी ताकि मटन अच्छी तरह से गल जाए। मटन यहाँ पे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसमें व्हीट फ्लावर यानी आटा ऐड करूँगी। आटे में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसका एक पेस्ट फॉर्म कर लिया है, और मैं इसे थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली ऐड करूँगी, एक साथ नहीं डालेंगे इसके अंदर, और इसे मिक्स करके देखते रहेंगे कि जितना हमें थिक चाहिए ग्रेवी वहाँ पे हम इसे स्टॉप कर देंगे डालना। जितना आटा मैंने रेसिपी में आपको बताया था वो पूरा ही इसमें ऐड हो गया है, और मुझे इतनी थिकनेस इसकी पसंद है
आप जितना थिक करें या डाइल्यूट करें ये आपकी चॉइस है। अब मैं इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर दूंगी और अब साथ ही इसको दम पे रखूंगी और बघार को तैयार कर लूंगी। बघार के लिए शुरू में जो मैंने थोड़ा सा घी को रोक लिया था वो ऐड करूंगी अपने बघार के पॉट में, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अनियन जो मैंने शुरू में थोड़े से बचा दिए थे। अब इसे मैं गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लूँगी। बघार अच्छी तरह से ब्राउन हो गया है, अब मैं इसे मटन कुंदा में ऐड करूँगी। और इसे कवर करके 10 मिनट्स के लिए मैं दम पे रख रही हूँ। तो ये रेडी है बहुत ही मज़ेदार फ्लेवरफुल मटन कुन्ना, जिसे मैंने गार्निश किया है ग्रीन चिलीज, जिंजर और लेमन के साथ। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।